हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। एक नया दिन, एक नया चीज़। आज एक एक्चुअली आज मैं एक डाइट प्रोसेस के को लेके आई हूँ। एक सब्सक्राइबर ने मुझे पिंग किया था, उनको चाहिए था एक्चुअली। वो बोले आपके आपके पास अगर कुछ एक्सपीरियंस है डाइट का, कि आपको कुछ पता है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। उनको चाहिए था। मैं एक्चुअली और थोड़ा दुबली होने के बाद थी ये डाइट प्रोसेस आप लोगों के पास लाने वाली थी, लेकिन जब सब्सक्राइबर ने डिमांड किया है तो थोड़ा अच्छा मींस अंदर से अच्छा फील होता है कि हाँ चलो करते हैं, क्योंकि उनका डिमांड है तो पूरा मींस अच्छा लगता है पूरा करने के लिए। मैं ये अभी लेके आई हूँ। उसका नाम कीटो डाइट है। कीटो डाइट एक्चुअली फॉरेन में ज़्यादा यूज़ होता है, इंडिया में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आजकल इंडिया में भी बहुत जन कर रहे हैं और करके उसको एक्सपीरियंस किए हैं। मैं भी उसमें से एक हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ। मैं मींस और भी मोटी थी, मेरे दोनों बच्चे के बाद मैं बहुत मोटी थी। अभी तो बहुत मींस कम गई हूँ, 112 थी। उसके बाद मैं 85 से मैंने 85-87 ऐसा था मेरा। तब से मैंने ये कीटो, पहले तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर मुझे जो जो लगा कि ये कर सकती हूँ थोड़ा थोड़ा करके उतना दूर आई। जब मैं ये कीटो डाइट के बारे में सुनी और मैंने स्टार्ट किया, तो मैं उस टाइम 85 थी, 85 से 77 तक आई थी। वो भी एक्चुअली मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैं पूरा प्रोसेस नहीं कर पाई थी, मैं 12 डेज ही की थी। इसका क्या होता है, आप लोग 21 डेज कंपल्सरी करना रहता है, तो आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा। मेरा दांत का प्रॉब्लम आ गया था तो निकालना पड़ा, मैं कुछ खा नहीं पाई तो मुझे छोड़ना पड़ा 12 डेज में ही। और 12 डेज में इतना मीन्स स्क्वीज हो गई थी मैं, और मीन्स मेरा वेट लॉस भी हुआ था। मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, और भी करना चाहती हूँ, थोड़ा सा अभी नहीं हो पा रहा है। मुझे जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेगा, कुछ मीन्स ऐसा गैप मिलेगा मेरे लिए, तो मैं सोची हूँ कि बच्चे जब स्कूल जाने लगेंगे तो मैं सोची हूँ कि पक्का कीटो डाइट और एक बार करूँगी। ये डाइट बहुत अच्छा है, आप लोग ट्राई करके देखिए ये मीन्स श्योरली आपको वेट लॉस और आपको स्क्वीज करेगा। वेट लॉस फैट लॉस ये करता ही करता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। ये 21 डेज का करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि खाली 21 डेज में रह जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो 30 डेज आप लोग करना, 30 डेज से भी और आपको करना है। आप लोग जब देखोगे कि स्क्वीज हो रहे हो, फैट लॉस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो आप लोगों को करना है। तो एक्चुअली लोग 6 मंथ 1 ईयर तक करते हैं, लेकिन आप लोग बीच बीच में थोड़ा गैप रख के ही करना, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग ऐसे करेंगे तो मीन्स उल्टा रिएक्ट होना पड़ेगा। और एक चीज ये है कि आप लोग जब शुरू करोगे तो आप पहले आपका कोलेस्ट्रॉल चेक कर लेना। कोलेस्ट्रॉल नहीं मींस चेक नहीं हुआ तो, क्योंकि ये फैट खाने का डाइट है, फैट बहुत खा सकते हो, कार्बोहाइड्रेट पूरा जीरो रहता है, राइस आप नहीं खा सकते हो इसमें, रोटी नहीं खा सकते हो इसमें, करना पड़ता है। आप लोग इसमें प्रोटीन एंड फैट बहुत सारा खा सकते हो, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, आप ये सब खा सकते हो, पनीर हो गया, आप ये खा सकते हो। मीन्स इसका ही ये डाइट इसका ही रहता है, राइस रोटी पूरा जीरो रहता है। इसलिए आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल चेक करना पड़ेगा, और फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को अभी उसका प्रोसेस, किस टाइम में क्या खाना है। आप लोग सर्च करोगे भी तो भी पूरा प्रोसेस के साथ नहीं मिलता है, हाँ ये खाना चाहिए, ये खा सकते हो, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में क्या खाओगे, फिर बीच बीच जो गैप रहता है, भूख लगेगा तो क्या खाओगे, कुछ नहीं रहता है। मैं सोची कि मैं जब मैं खुद करी हूँ, एक्सपीरियंस करी हूँ, मुझे भी बहुत परेशानी हुई थी उस टाइम में, तो आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए मैं ये पूरा प्रोसेस के साथ लाई हूँ। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा उसका प्रोसेस बताती हूँ कि हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। एक्चुअली ब्रेकफास्ट में 2 एग, बॉयल एग एंड बॉयल एग हो कि ऑमलेट हो, 2 एग एंड सलाद। आपको सलाद में मैं बोली थी इसमें कि मिट्टी के नीचे का कुछ भी नहीं खाना, जैसे कि ऑनियन नहीं खाना, कैरेट नहीं खाना। सलाद में आप लोग एवोकाडो और कुकुम्बर ले सकते हो, नहीं तो एक एप्पल, और जैसे कि लेटस, और लेटस ने अच्छा नहीं लगता है तो कैबेज भी आप लोग ले सकते हो। नहीं तो क्या कर सकते हो कि आप लोग 2 एग का ऑमलेट बना सकते हो। ऑमलेट में आप लोग पालक दे सकते हो, आप लोग जो हम लोगों का लीफीस रहता है ना, मेथी दे सकते हो, कोरिएंडर लीफ दे सकते हो, ऐसे कुछ भी मिला के, नहीं तो कैबेज भी छोटा छोटा कट करके उसमें हम लोग डाल के खा सकते हैं। ये मैं तो मैक्सिमम, मैं जब कर रही थी मैं मैक्सिमम वही ऑमलेट ही कुछ
पत्ता मिला के मैं कुछ ऑमलेट ही करके खा लेती थी तो पेट पूरा भर जाता था। हम लोग इसमें जितना चाहे उतना खीरा मतलब कि कुकुम्बर खा उसके सकते बाद हैं। हम लोगों को बटर कॉफ़ी लेना रहता है। ये मैंने ये एक्चुअली बहुत इजी है। इसमें बटर के साथ कॉफ़ी को मिला लीजिए, गर्म पानी में डाल दीजिए, अच्छे से फेंट लीजिए, बस वही है बटर कॉफ़ी, इसको लेना होता है। उसके बाद हम लोग जो क्या करेंगे, 2 घंटे के बाद हम लोग एक गिलास, फुल गिलास ऑफ लेमन वाटर हम लोग पियेंगे। उसमें थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट हम लोगों को डालना है और थोड़ा पेपर पाउडर डाल मिला लेके फिर हम लोगों को वो पीना है। फिर आफ्टर 2 आवर, और जब मीन्स ऐसा नहीं है कि 2 आवर 2 आवर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी भूख सो आपको जब भी भूख लगे आप नेक्स्ट आप खा सकते हो। जैसे कि लंच, आपको लंच में आपको कुछ लीफ मीन्स लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक हो गया, नहीं तो मेथी हो गया कुछ भी, एंड चिकन या मटन या पनीर, और नहीं तो फिश, आप लोग 200 ग्राम आप लोग खा सकते हो। नहीं, और उसके साथ बहुत सारा सलाद। एक्चुअली ये ठंडे का दिन है तो मैंने कुकुम्बर नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ठंडा जल्दी पकड़ लेता है। सो आप लोग खा सकते हो। और केबेज मुझे खाने का मन नहीं था कि लेटस खाने का मन नहीं था तो मैंने कुछ नहीं लिया, इतना मेरे लिए बहुत है। अभी मेरा एपेटाइट बहुत कम गया है सो ये मेरे लिए सफिशियंट है। आप लोग बहुत सारा सलाड खा सकते हो, सलाड खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ भी ये जो मेरा प्लेट देख रहे थे इसके साथ भी आप उसमें बहुत सारा सलाड, नहीं तो कॉलीफ्लावर भी उसमें ही थोड़ा सा शॉर्टे करके खा सकते हो, मीन्स फ्राई करके उसी चिकन के साथ खा सकते हो। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा टाइम भूख नहीं लगेगा कंपलसरी। फिर आप लोग वही सेम लेमन वाटर आप लोगों को पीना है। उसके बीच में अगर आप लोगों को भूख लगे तो आप लोग एक एप्पल आराम से खा सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो, नट्स खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भूखे पेट रहना है, आप लोगों को ये सब लेना है। और जितने बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, जितना भी बेरीज है आप लोग इसमें ले सकते हो। इसमें वो प्लस थिंग्स है कि आप सारे बेरीज खा सकते हो, खट्टे चीज़ खा सकते हो। और फिर आ गया डिनर का टाइम। डिनर का टाइम में मैं एक्चुअली पनीर ली थी। मुझे चिकन खाने का मन नहीं था, मटन तो मैं खाती नहीं हूँ और फिश को मुझे रात को सो पसंद नहीं ये है। आप देख रहे होंगे कैप्सिकम है, टमाटो है, पनीर मैंने लिया था और कैबेज है। ये जो कैप आई मीन पनीर है इसको थोड़ा सा मीन्स आप लोग अगर चाहो तो सॉल्ट और लेमन स्क्वीज करके मैरिनेट करके चिकन को भी वैसे ही बना सकते हो, एंड मटन चिकन फिश ऐसे ही, इवन पनीर को भी आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो। थोड़ा सा ही जस्ट ऑलिव ऑयल के कोकोनट ऑयल में फ्राई करना रहता है, मीन्स शॉर्टे करना रहता है, थोड़ा सा वो पक जाए अच्छे से। और उसके बाद कैप्सिकम एंड टमाटो आप दे दीजिए। और मैंने यहाँ पे सलाड पे कैबेज लिया था क्योंकि मुझे कुकुम्बर अभी ठंडे में थोड़ा जल्दी ठंडा पकड़ लेगा, मीन्स विंटर में, सो मैं थोड़ा कैबेज प्रेफर करती हूँ। और आप चाहे तो मीन्स कॉलीफ्लावर नहीं तो ब्रोकोली आप लोग दे सकते हो। ये जो हम लोग मैंने जो पनीर बनाया हुआ है, आप जितना चाहे उतना सलाद खा सकते हो, कॉलीफ्लावर जितना चाहे खा सकते हो। ये सब बहुत अच्छा है, डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है और कीटो डाइट में भी ये सब अलाउ है, सो आप लोग खा सकते हो। और इसमें जितना भी आप लोग और एक प्लेट भर के वहाँ पे सलाद रख के भी खा सकते हो। मेरा मीन्स इतना एपेटाइट है तो सो ये मेरे लिए बहुत है एक्चुअली, मेरा पेट से ज़्यादा था ये। सो दिस इज़ इट, यही है कीटो डाइट। आप लोग मीन्स ट्राई करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि पूरे बेरीज आप लोग खा सकते हो, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, कुछ भी बेरीज हो आप लोग इसमें पूरा पूरा अलाउ है खाने के लिए। एप्पल खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, सो कुछ भूखा भूखी नहीं रहोगे आप लोग, आप लोगों का अच्छा से स्क्वीज होगा। अगर अगर हो सके तो ट्राई करना थोड़ा वॉकिंग की एक्सरसाइजेस की, योगास थोड़ा इसमें करने करने के लिए, तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।